हेलो गाइज, यू आर वॉचिंग क्लैश विद संदीप। सीजन 10 कुछ ही दिनों में एंड होने वाला है। इसका मतलब टाइम आ चुका है टॉप 10 सीरीज का। एंड आज के वीडियो में मैं आपको टॉप 10 लीस्ट यूज कार्ड्स ऑफ सीजन 10 बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 पे जो कार्ड है, आप सबने तो ये कार्ड 100% यूज किया होगा लोअर एरिना में। तो इस कार्ड का नाम है बॉलर एंड जो इसका यूसेज है वो है टोटल 2%। बॉलर एक ऐसा कार्ड है जो कि काफ़ी इजीली यहां पर वॉलकेरी, विजार्ड, एक्सिक्यूशनर, मिनी पेक्का एंड ऐसे बहुत सारे कार्ड्स को इजीली काउंटर कर सकता है। क्लैश रॉयल के गेम डिजाइनर सीजन 9 में बॉलर के ऊपर रिवर्क करना चाहते थे, जिसमें कि वो इसका एलिक्सर कॉस्ट इंक्रीज कर देते, जिससे कि क्या होता कि जो इसका एलिक्सर कॉस्ट है वो तो इंक्रीज होता, साथ ही साथ जो इसका डैमेज एंड हिट पॉइंट वो भी इंक्रीज कर दिया जाता, जिससे कि जो इसका यूसेज रेट है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता टूर्नामेंट्स में, लैडर मैचेस में एंड चैलेंजेस में भी। बट लास्ट मोमेंट में क्या हुआ कि ये जो प्लान है इसको कैंसिल कर दिया गया। तो कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है कि जो बॉलर है इसके ऊपर अपकमिंग अपडेट्स में रिवर्क होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। नंबर 9 पे जो कार्ड है, इस कार्ड का नाम है जायंट गॉबलिन। एंड अगर बात कर लेते हैं इसके यूसेज की, तो जो इसका यूसेज है वो है टोटल 2%। एंड डे बाय डे जो इसका यूसेज रेट है काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज भी हो रहा है। तो मैं बता देता हूँ कि जो इसका यूसेज है ट्रिपल ड्राफ्ट एंड क्लासिक चैलेंज में, इन दोनों में जो इसका यूसेज काफ़ी ज़्यादा है। बट अगर हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं ओवरऑल यूसेज की, तो इसमें इसका यूसेज रेट काफ़ी ज़्यादा कम है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका यूसेज रेट इतना ज़्यादा कम क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमें जायंट गॉबलिन के एलिक्सर कॉस्ट में इससे अच्छे कार्ड्स मिल जाते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर मिल जाता है जायंट एंड यहाँ पर हमें रॉयल जायंट भी मिल जाता है। एंड जो यहाँ पर जायंट गॉबलिन है इसको काउंटर करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान है, जिस वजह से जो इसका यूसेज रेट है काफ़ी ज़्यादा कम है। नंबर 8 पे जो कार्ड है, ये कार्ड ट्रॉफी पुशिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इस कार्ड का नाम है मोटर एंड जो इसका यूसेज है वो है टोटल 2%। एंड आप सबको तो मालूम ही होगा कि जितने भी टॉप प्लेयर्स हैं वो मोटर का यूज़ करते हैं ट्रॉफी पुशिंग के लिए। एंड यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ओनली टॉप प्लेयर्स ही इस कार्ड का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। जितने भी यहाँ पर हमारे लोअर एरिनाज हैं उसमें ये कार्ड्स को बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जाता है। एंड यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं ग्रैंड चैलेंज, क्लासिक चैलेंज, ड्राफ्ट चैलेंज की भी, तो यहाँ पर मोर्टार का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जाता है, जिस वजह से इस कार्ड का जो यूसेज रेट है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। नंबर 7 पे जो कार्ड है, आप में से काफ़ी कम लोगों ने इस कार्ड को अपने डेक में यूज़ किया होगा। एंड कुछ ऐसे भी प्लेयर्स होंगे जिन्होंने इस कार्ड को आज तक कभी भी यूज़ नहीं किया होगा। तो इस कार्ड का नाम है 3 मस्कीटियर एंड जो इसका यूसेज है वो है 2%। एंड जो इसका यूसेज है वो डे बाई डे काफ़ी ज़्यादा कम हो रहा है। तो मेरे को यहाँ पर बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी कि जो इसका यूसेज है इतना कम क्यों है। आप सबको तो पता ही होगा कि जो इसका एलिक्सर कॉस्ट है वही इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एंड यहाँ पर जो फायरबॉल, पॉइजन एंड मेगा नाइट, इन सारे कार्ड्स का भी जो यूसेज रेट काफ़ी ज़्यादा है, जिस वजह से यहाँ पर 3 मस्कीटियर्स को काउंटर करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। इसलिए यहाँ पर जो इसका यूसेज रेट है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। नंबर 6 पे जो कार्ड है, ये है एक बिल्डिंग कार्ड एंड इस कार्ड का नाम है एलिक्सर पंप। अगर बात कर लेते हैं इसके यूसेज की, तो जो इसका यूसेज है वो है टोटल 2%। तो यहाँ पर कमेंट करके बताइए आप में से कितने प्लेयर्स यहाँ पर एलिक्सर पंप का यूज़ करते हैं अपने डेक में। मैंने तो आज तक ये कार्ड कभी भी अपने डेक में यूज़ नहीं किया है,
क्योंकि यहाँ पर जो एलिक्सर पंप है इसको काउंटर करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि पॉइजन एंड फायरबॉल इन दोनों का यूसेज रेट काफ़ी ज़्यादा है, जिससे कि आपको ये जो दोनों कार्ड है काफ़ी सारे डेक्स में देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि आप इजीली यहाँ पर जो एलिक्सर पंप पे इसको काउंटर कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर जो एलिक्सर पंप पे इसका यूसेज रेट काफ़ी ज़्यादा कम है। नंबर 5 पे जो कार्ड है, जब ये कार्ड रिलीज हुआ था तब इसका जो यूसेज रेट था काफ़ी ज़्यादा था, बट अभी जो इसका यूसेज रेट काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। तो इस कार्ड का नाम है रॉयल रिक्रूट एंड जो इसका यूसेज है वो है टोटल 1%। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो इसका यूसेज रेट इतना ज़्यादा कम क्यों है। तो आप सबको तो पता ही होगा कि ये जो कार्ड है इसको काउंटर करना कितना ज़्यादा आसान है, एंड यहाँ पर जो इस कार्ड का एलिक्सर कॉस्ट है तो काफ़ी ज़्यादा है, एंड आपको यहाँ पर सेम एलिक्सर कॉस्ट में इससे अच्छे अच्छे कार्ड्स मिल जाएंगे, जिस वजह से यहाँ पर जो इस कार्ड का यूसेज रेट है काफ़ी ज़्यादा कम है। बट मैं आपको बता देता हूँ कि जो ट्रिपल ड्राफ्ट है यहाँ पर इस कार्ड का यूसेज रेट काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि जो ट्रिपल ड्राफ्ट है यहाँ पर जो इस कार्ड को काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स चूज़ करते हैं अपने डेक के लिए। नंबर 4 पे जो कार्ड है, ये कार्ड सीजन 9 में रिलीज हुआ था एंड इस कार्ड का नाम है रॉयल डिलीवरी। एंड अगर बात कर लेते हैं इस कार्ड की यूसेज की, तो जो इसका यूसेज है वो है टोटल 1%। एंड आप सबको तो मालूम ही होगा कि इस कार्ड का यूसेज इतना ज़्यादा कम क्यों है, क्योंकि जो इस कार्ड का ड्रॉप टाइमिंग है वो टोटल 3 सेकेंड है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्लो है, जिस वजह से यहाँ पर इस कार्ड का यूसेज रेट काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो गया है। एंड क्लैश रॉयल के गेम डिज़ाइनर्स ने सीजन 9 के एंड में ये बात कंफर्म कर दिया है कि हमें अपकमिंग अपडेट्स में रॉयल डिलीवरी के ऊपर रीवर्क देखने को मिलने वाला है, यानी कि जो इसका यूसेज रेट है ये दोबारा से इंक्रीज हो जाएगा। बट अभी तक ये बात कंफर्म नहीं हो पाई है कि कौन से सीजन में इस कार्ड के ऊपर रीवर्क होने वाला है। नंबर 3 पे जो कार्ड है, ये है एक लेजेंडरी कार्ड एंड इस कार्ड का नाम है फिशरमैन, एंड जो इसका यूसेज है वो है टोटल 1%। एंड मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो इसका यूसेज रेट है वो डे बाय डे काफ़ी ज़्यादा कम हो रहा है। एंड मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो आने वाला अपकमिंग सीज़न है, यानी कि सीज़न 11, यहाँ पर हमें फिशरमैन के ऊपर रीवर्क एंड बफ देखने को मिलने वाला है। ये बात सेथ ने कंफर्म कर चुका है, यानी कि सीज़न 11 से जो इसका यूसेज रेट है ये दोबारा से इंक्रीज हो जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड आप सबको तो मालूम ही होगा कि जो इसका यूसेज रेट है वो इसलिए कम है क्योंकि जो इसका हुक का स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, जिस वजह से इस कार्ड को मतलब काफ़ी कम प्लेयर्स भी यूज़ करते हैं। नंबर 2 पे जो कार्ड है, इस कार्ड का नाम है गॉबलिन केज, एंड जो इसका यूसेज है वो है टोटल 2%। एंड आप सबको तो मालूम ही होगा कि जो इसका यूसेज है वो इतना ज़्यादा कम क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो गॉबलिन केज है, सबसे पहली बात तो ये 4 एलिक्सर कॉस्ट का है एंड ये एक डिफेंसिव कार्ड भी है, बट यहाँ पर हमें 4 एलिक्सर कॉस्ट में इससे अच्छे अच्छे डिफेंसिव कार्ड्स मिल जाते हैं, जिस वजह से यहाँ पर जितने भी प्लेयर्स है वो गॉबलिन केज का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं अपने डेक में। नंबर 1 कार्ड का नाम बताने से पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ बताना चाहता हूँ कि फ्रॉम सीज़न 1 टू सीज़न 9 लीस्ट यूज कार्ड के लिस्ट में हमेशा नंबर 1 पे यहाँ पर हिल स्पेल रहा करता था, जिसका यूसेज रेट था 0%। बट जो सीज़न 10 ने यहाँ पर इस कार्ड को रिमूव कर दिया गया है, यानी कि सीज़न 10 में हम एक न्यू कार्ड मिलने वाला है नंबर 1 के रैंक में। तो यहाँ पर जो नंबर 1 पे कार्ड है जिसका यूसेज रेट सबसे ज़्यादा कम है, इस कार्ड का नाम है जैपीज़, एंड अगर बात कर लेते हैं इसके यूसेज की, तो जो इसका यूसेज है वो है टोटल 0%। इसका मतलब इस कार्ड को कोई भी यूज़ नहीं करता है,
एंड मैं आपको बता देता हूँ कि सीजन 8 में इस कार्ड के ऊपर रिवर्क हुआ था एंड देन मेरे को लगा था कि इस कार्ड का यूसेज रेट इंक्रीज हो जाएगा, बट यहाँ पर सीजन 8 में रिवर्क के बाद भी इस कार्ड का यूसेज रेट बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हुआ, उल्टा इस कार्ड का यूसेज रेट और भी ज़्यादा डिक्रीज हो गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।